अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में सूप, और इंशाल्लाह आप लोग को बहुत पसंद आएगा, ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा। हमारे पास 1.3 kg चिकन है और इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा विनेगर, बिल्कुल थोड़ा सा, और देन सॉल्ट। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। देन आपने थॉरली इसको वॉश करना है ताकि विनेगर और सॉल्ट अच्छे से रिमूव हो जाए। ये देखें जी, कितना अच्छा से चिकन साफ़ हो गया है और इसमें जो चिकन की रॉ स्मेल होती है ना, वो भी कम हो जाती है। इस तरीके से अगर आप चिकन धोते हैं तो आपको बिल्कुल भी स्टॉक में भी स्मेल नहीं है। अब बात कर लेते हैं हमारे स्टॉक के अंदर क्या क्या जाएगा। ये एक अनियन है, ये एक स्प्रिंग अनियन है, और इसके ग्रीन पार्ट मैंने ज़्यादा नहीं लिए, सिर्फ दो लीफ जो लंबे वाले थे उनको कट किए हैं। और यहाँ पर मेरे पास कुछ लहसुन के क्लॉव्स हैं, और ये कैरेट है, और ये है हमारे पास अदरक। ये हमारे पास जाएगा स्टॉक के अंदर। प्रेशर कुकर ले लिए और अब इसके अंदर जाएगा ऑलिव ऑयल। बिल्कुल थोड़ा सा ऑलिव ऑयल जाएगा, दो बे लीव्स, दालचीनी, ये देखें, और थोड़ी सी काली मिर्ची। और फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी चिकन। ये जो मैं चिकन इस तरीके से फ्राई करूँगी ना, ये ट्रिप है आपके पास रेस्टोरेंट में। इसी तरीके से जो है वो स्टॉक प्रिपेयर किया जाता है। इससे ये होता है कि जो चिकन की जो स्मेल है बिल्कुल आपको नहीं आती, और बहुत ही मज़े का आपका सूप का फ्लेवर आता है। आपने इसी तरह से चिकन को जो है ब्राउन करना है जैसे मैंने यहाँ पर किया। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट अगर आप चाहते हैं कि आपका रेस्टोरेंट जैसा फ्लेवर है तो इतनी सी आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। फिर जी मैंने डाल देना है इसके अंदर जो मैंने कैरेट आपको दिखाई दी, तकरीबन हाफ कैरेट है जो मैं इसके अंदर लूंगी। और साथ मैंने क्लॉव्स डाले हैं लहसुन के, ये भी तकरीबन एक पूरा लहसुन का जो होता है ना पीस वो डाला है। और ये अदरक के दो टुकड़े करके मैं इसके अंदर डालूंगी, और ये अनियन भी मैंने डाल दिए। और फिर मैं इसके अंदर पानी डाल दूंगी। पानी आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर दो ग्लास डाले हैं, और फिर मैंने मज़ीद और डालकर अपनी मर्जी से जो है वो स्टॉक का लेवल एडजस्ट कर लूँगी। अगर आप इसको बढ़ाना चाहें तो कोई मसला नहीं, अगर कम करना चाहें तो भी कोई इशू नहीं, कुछ भी फ़र्क नहीं आएगा। और आप ये स्टॉक बनाकर प्रिजर्व भी कर सकते हैं फ्रीज़र में, और जब चाहें फिर बाद में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको प्रेशर दे दूँगी। यहाँ तकरीबन आपने 25 से 30 मिनट का लाजमी प्रेशर देना है। आपका चिकन अच्छे से गल जाएगा और आपके जो चीज़ें आपने स्टॉक में डाली उसका फ्लेवर भी स्टॉक के अंदर आ जाएगा। 30 मिनट हो चुके हैं और हमारा स्टॉक बन के बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके हैं। और जितनी भी चीज़ें हमने बीच में डाली हैं, जो भी वेजिटेबल्स और स्पाइसेस डाले हैं, वो आपने रिमूव करके डिस्कार्ड कर देने हैं, क्योंकि उनका सारा फ्लेवर इसके अंदर स्टॉक के अंदर आ चुका है। ये देखिए कितना अच्छी तरह से चिकन गल गया। ये देखें आराम से जो है ये सेपरेट हो रहा है। देखिए जी आराम से बोन से जो है ना आपका चिकन सेपरेट हो रहा है। कितना अच्छे तरीके से जो है हमारा चिकन गल चुका है। अब इसको हम श्रेड कर लेंगे। चिकन हमारा शेड हो चुका है, और अब चलते हैं जी कुकिंग की तरफ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लूँगी एक पॉट, और उसके अंदर मैं डालूँगी बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल, और जो चिकन हमने श्रेड किया हुआ था वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और इस चिकन को मैं करूँगी स्टर फ्राई। इससे जो है बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आएगा। जिस तरह से मैं कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरह से। अगर रेस्टोरेंट वाला जायका ना आया तो सारे पैसे वापस। चिकन को स्टर फ्राई करने के बाद मैं इसके अंदर डालूँगी अपनी वेजिटेबल, जैसे कि यहाँ मैंने डाली है ग्रीन और येलो बेल पेपर। और देन मैं इसके अंदर डालूंगी जी कैरेट। मैंने इस कैरेट को जो है श्रेड कर लिया है, जो कद्दूकश वाला होता है आप उससे श्रेड कर सकते हैं, अगर आपके पास मशीन है तो आप उससे ही श्रेड कर सकते हैं। और मैंने इसके अंदर डाली है जी कैबेज, और फिर इन सारी वेजिटेबल्स को मैं स्टर फ्राई कर लूँगी। इसके अंदर मैंने स्टॉक डाल दिया है। स्टॉक आपकी मर्ज़ी है, आपने कितना डालना है और आपको कितना स्टॉक चाहिए। और उस स्टॉक के अंदर आप मज़ीद पानी भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ देखे मैंने ऐड किया है। कोई मसला नहीं होगा क्योंकि अभी वेजिटेबल्स का भी फ्लेवर इसके अंदर आएगा। अब इसके अंदर हम डालेंगे स्पाइसेस। यहाँ जा रहा है जी सॉल्ट। यहाँ पे मैंने 1 teaspoon सॉल्ट डाला है। सॉल्ट बहुत ध्यान से डालना है, ज़्यादा डल गया तो आपका सारा सूप ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने 1 teaspoon ही इसके अंदर डाला है जी ब्लैक पेपर। और अब जा रहा है 1/2 teaspoon ऑलमोस्ट इसके अंदर वाइट पेपर। और अब ये जा रही है जी चिली फ्लेक्स। और फिर अच्छे से सारे सूप को मैं मिक्स कर लूँगी और इसको अच्छे से बॉयल आने दूँगी। आपने इसको 3-4 बॉयल आने देने हैं, और उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी सोया सॉस। तकरीबन 5 tablespoon मैंने यहाँ सोया सॉस के डाले हैं, और 2 tablespoon यहाँ मैंने वाइट विनेगर के डाले हैं।
यहाँ पर जी अब मैं डालूंगी ऑयस्टर सॉस तकरीबन 1 टेबल स्पून। अगर आप चाहें तो आप ऑयस्टर सॉस स्किप कर सकते हैं, बट अगर आपके पास है तो लाजमी डालेगा, इससे बहुत अच्छा सूप का फ्लेवर आता है। और इसके बाद आपने सूप को तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मज़ीद पकने दे, फुल आंच पे आपने इसको पकने देना है ताकि और ज़्यादा वेजिटेबल्स के अच्छे जो हैं फ्लेवर अंदर आ सकें। मुझे यहाँ पर ऑयस्टर सॉस थोड़ी कम लग रही थी तो मैं 1 टेबल स्पून और डालूंगी, तो इन टोटल यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून भरकर ऑयस्टर सॉस के डाले हैं। और ये स्कम जो है मैं इसको रिमूव कर लूँगी क्योंकि ये जो है आपके सूप का जायका ख़राब कर देता है। उसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जो कॉर्नफ्लोर की स्लरी, 3 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया, उसको पानी में डिजॉल्व करके मैंने सूप के अंदर डाल दिया है। और अब सूप को मैं एक दो और बॉयल आने दूंगी और जी इसके अंदर अब जाएगा 2 अंडे। मैंने इसको अंडों को अच्छे से फेंट लिया और बड़े आराम से आपने डालना है अंडा और उसको फिर बहुत प्यार से आपने स्टर करना है ताकि मज़े के जो फ्लेक्स है ना आपके पास एग के यहाँ पर आ सके। अब जाएगा इसके अंदर फ्रेशली चॉप पार्सली, अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप ड्राइड पार्सली भी डाल सकते हैं, और अगर आपके पास रोज़मेरी है तो आप वो भी रोज़मेरी भी इसके अंदर डालें तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। फिर मैंने इसके अंदर डाले हैं स्प्रिंग अनियंस के ग्रीन वाला पार्ट, और एक बॉयल आपने अपने सूप को आने देना और आपका सूप बनकर रेडी है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय अपलोडेड वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाजमी इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ लाजमी शेयर करें, और इस रेसिपी को आपने बनाकर लाजमी ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताना है। और यहाँ पर मुझे कॉर्न भूल गई थी मैं डालना, तो जब कुक हो गया बिल्कुल तो मैंने बीच में कॉर्न डालकर एक बॉयल दिया तो बिल्कुल जो है वो कॉर्न पक गई थी, क्योंकि ये स्वीट कॉर्न होती है और ये बहुत जल्दी गल जाती है, इसलिए कोई मसला नहीं होता, बाद में भी डाल सकते हैं जैसे मैंने डाली है। और यहाँ पर जो हमारा सूप रेडी है, तो ये है जी कॉर्न के बगैर सूप, और इससे पहले वाला क्रिप कॉर्न के साथ वाला सूप है, ये ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े के। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।